जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है सभी का टेक हेडलाइंस के नए एपिसोड में। देखो यारो, पहले कह देना चाहता हूँ, आजकल मार्केट थोड़ा ठंडा चल रहा है, दैट्स व्हाई न्यूज कम आ रहे हैं। और वैसे भी मैं मार्च और अप्रैल में आपको 40-40 तक न्यूज दिया था टेक हेडलाइंस के एपिसोड में, दैट्स व्हाई अभी थोड़ा सा मेरे को एक्सक्लूसिव न्यूज मिल नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ। इसी चक्कर में अभी एक्सक्लूसिव न्यूज का थोड़ा कमी हो गया, लेकिन फिर भी मैं खोज के लेके आता रहता हूँ, ठीक है? थोड़ा अंडरस्टैंड कर लिया करो, जब तुम लोग कमेंट करते हो ना यार सुफियान भाई बहुत ही छोटा वीडियो बना दिया, तकलीफ होती है दिल में यार, दिल से बुरा लगता है यार। सबसे पहला अपडेट आ रहा है Redmi की तरफ से। Redmi अपने टैबलेट को लॉन्च करने वाला है चाइना में, इसी महीने के सेकंड वीक के आसपास तक लॉन्च कर देगा। वैसे भी 8-9 तारीख का तो डेट आया था, Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएंगे चाइना में, तो उसी लॉन्च इवेंट में ये पैड भी लॉन्च हो जाएगा। फिर उसके बाद अगले महीने तक यही जो Redmi का पैड है इंडिया में भी आ जाएगा। नाम अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि Redmi Pad 5 होगा, कुछ लोग कह रहे हैं Redmi Pad 5G होगा, कुछ अगर पता चलता है तो बताता हूँ। Aiko Neo 6 SE के पूरे स्पेसिफिकेशंस आ चुके हैं, देख लो साइड में दिखा रहा हूँ सारे स्पेसिफिकेशंस। वैसे स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं, अगर ये इंडिया में Aiko 90 बन के आ भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पेसिफिकेशंस अच्छे दे रहा है। लेकिन अपने को Aiko Neo 6 चाहिए इंडिया में Aiko 90 बन के, ठीक है? वैसे अगर आप यारो अपकमिंग स्मार्टफोन्स का अगर वीडियो नहीं देखे हो तो आपका भाई बना दिया है, मैं बहुत सारे स्मार्टफोन के बारे में बताया हूँ जो इस महीने मई में लॉन्च होंगे, कल परसों ही डाला था वीडियो, आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना। OnePlus Nord 3 की तरफ से बहुत सारे एक्सक्लूसिव न्यूज आपका भाई लेके आया है। पहली बात, OnePlus Nord 3 का मॉनिटर कंफर्म हो गया है, वैसे तो अपने को करोड़ों साल पहले ही पता चल गया था। दूसरी बात, OnePlus Nord 3 का इंडियन लॉन्च टाइमलाइन बाहर आ गया है, ये जो स्मार्टफोन है आपको अगस्त में इंडिया में दिखाई देगा, हाँ अभी तो यही टाइमलाइन पता चला है। तीसरा, OnePlus Nord 3 का इंडियन प्राइस रेंज बाहर आ गया है, आपको OnePlus Nord 3 30,000 से 35,000 रुपए के आसपास दिखाई देगा, ये जो प्राइस रेंज है ये गलत है। मगर क्यों? मजाक कर रहा हूँ यार, 30,000 से 35,000 रुपए के आसपास ही OnePlus Nord 3 इंडिया में डेब्यू करेगा। और यार मेरे को बताओ सबसे बुरा किसके लिए लग रहा है? OnePlus Nord 2T को जो खरीदेगा, क्योंकि भाई मई के एंड तक नहीं तो जून के स्टार्टिंग में OnePlus Nord 2T आ जाएगा इंडिया में, और वो आपको 35,000 रुपए के अंदर में दिखाई देगा और बहुत सारे बंदे उसको खरीदेंगे। लेकिन जब वो खरीद लेंगे उसके थोड़े दिनों के बाद ही, 1-1.5 महीने के बाद OnePlus Nord 3 इंडिया में आ जाएगा, उसको देख के वो रोएंगे, भाई गलती कर दी यार, OnePlus Nord 3 लेना चाहिए था। इसी वजह से कह रहा हूँ OnePlus Nord 2T को देख के पिघल मत जाना, सख्त लौंडे बन के रहना, ठीक है? सख्त, अपन लोग सख्त हैं, अपन लोग पिघलेंगे नहीं, ठीक है? अपन लोग OnePlus Nord 3 का इंतजार करेंगे, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, आप भी इंतजार करो। वैसे यारो, Redmi Note 12 सीरीज के स्मार्टफोन्स का बात निकला है तो लू बीबिंग सर आज ऑफिशियली कंफर्म कर दिए हैं कि हमारा जो Redmi Note 12 सीरीज होगा उसके अंदर बहुत ही तगड़े फ्लैगशिप प्रोसेसर होंगे MediaTek के, जैसे कि MediaTek Dimensity 8000, MediaTek Dimensity 8100 और ना जाने क्या क्या, और कुछ कुछ रूमर्स तो ऐसे हैं कि MediaTek Dimensity 1300 भी होगा। आप लोगों के लिए एकदम खुशखबरी वाला न्यूज लेके आया हूं मैं, Aiko Z6 5G का जो बेस वेरियंट था 4+128GB जिसका प्राइस है 15,500 रुपए, उसका प्राइस कट हो गया है, अब आपको 4+128GB दिखाई देगा 14,000 रुपए का। लेकिन पूरी बात सुन लो यार, ये दोस्तों एक नया वर्जन है, अगर आप ये वाला 14,000 रुपए वाला वर्जन खरीदोगे तो आपको बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं मिलेगा। मैं जानता हूँ यार तुम लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन क्या करें, Aiko एक नया स्कीम लेके आया तो मेरे को बताना पड़ेगा ना। Aiko बाबू बस इतना कह दिए, भैया देखो 14,000 रुपए में आपको फोन दे देंगे लेकिन चार्जरवा बॉक्स से निकाल लेंगे, ठीक है? इसी वजह से, बस और कुछ नहीं, 1500 रुपए का चार्जर है। वैसे यारो मुझे कुछ स्पेसिफिकेशंस पता चल रहे हैं TechnoPova 3 के, साइड में दिखा रहा हूँ देख लो, ये कंफर्म हो चुके हैं कि ऐसे ही स्पेसिफिकेशंस होंगे TechnoPova 3 के। वैसे इसी महीने ये लॉन्च हो रहा है, अब सोर्सेस की मानो तो अफ्रीकन मार्केट्स में पहले डेब्यू करेगा, अगर इस महीने अफ्रीकन मार्केट्स में आएगा तो अगले महीने इंडिया में आएगा, मतलब कि जून में। वैसे स्पेक्स काफी अच्छे हैं, अगर इंडिया में 10,000 रुपए के आसपास आएगा तो अच्छा रहेगा। ये अप्रैल 2022 का रिपोर्ट आ गया है, जियो 3.7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खो दिया अप्रैल के मंथ में, और वी ने 1.7 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खो दिया, लेकिन एयरटेल बाबू फुल स्वैग में है, 1.6 मिलियन नए सब्सक्राइबर्स को वो जोड़ लिया, 1.6 मिलियन। वैसे मेरे को भी कभी-कभी लगता है कि मैं भी एयरटेल में ही स्विच कर जाऊं। डीजो बर्ड्स पी, ये डीजो के नए TWS हैं जो डीजो इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लिस्ट हो चुके हैं, दैट मींस ये बहुत ही जल्द आएंगे, एक एंटी लेवल के बजट कैटेगरी के TWS होंगे और बहुत ज्यादा अच्छे स्पेक्स प्रोवाइड करेंगे, अब इसके बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। वैसे सोर्सेस कहते हैं कि इसी महीने ये लॉन्च हो जाएगा।
आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट दिखाने वाला हूँ, नया रिपोर्ट है जिससे आपको पता चलेगा कि हम इंडियंस एक दिन में, हर एक दिन में कम से कम कितने देर तक इंटरनेट चलाते हैं। याद रखना कम से कम, और बाकी सारे कंट्रीज भी आपको वहां दिखाई देंगे, रिपोर्ट देख लो आपको पता चल जाएगा। वैसे आप बताना, आप अगर किसी दिन बिजी हो और बिजी वाले दिन में भी आप कितना घंटा इंटरनेट चला लेते हो? भाई अगर मैं अपना बताऊं, अगर मैं बिजी रहता भी हूं तो भी मैं कम से कम डेढ़ दो घंटा तो चला ही लेता हूं, मतलब कि काम करते वक्त भी हो जाता है मेरा। और अगर मैं डेली अगर बताऊं तो डेली तो मैं करीबन 18-19 घंटा तो इंटरनेट चला ही रहता हूं, क्योंकि हर वक्त इंटरनेट पे ही रहता हूं मैं, काम करता हूं, वीडियो एडिटिंग करता हूं, स्टडी करता हूं, और भी बहुत सारे काम रहते हैं, मूवीज भी देखता हूं भाई, क्योंकि सेकंड चैनल को भी संभालना है ना। वैसे यारो, Vivo T1 4G और Vivo T1 Pro 5G ये दोनों स्मार्टफोन्स के इंडियन प्राइसेस बाहर आ गए हैं, 4 तारीख को तो लॉन्च हो रहे हैं। Vivo T1 4G का प्राइस होगा 14,999 रुपए और Vivo T1 Pro 5G का प्राइस होगा 25,000 रुपए के आसपास। IQOO Z6 और IQOO Z6 Pro 5G को देखियो, वही प्राइस है, वही रहेगा, बस अच्छे अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, ISMC ने, ये अमेरिकन बेस्ड प्रोसेसर मेकिंग ब्रांड है, ये इंडिया में कर्नाटका के अंदर में $3 बिलियन से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं प्लांट्स बनाने के लिए, जिसके अंदर में प्रोसेसर्स बनाए जाएंगे। मैं आपको कहा था ना दोस्तों, बहुत ही लंबे टाइम से बोलते हुए आ रहा हूं कि बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आएंगे इंडिया में और अपने प्रोसेसर को बनाने के लिए प्लांट लगाएंगे, जो बहुत ही अच्छी बात है। इससे प्रोसेसर का थोड़ा सा कॉस्ट कम होगा और जो चिप शॉर्टेज का प्रॉब्लम है वो भी कुछ हद तक कम हो जाएगा, जो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही अच्छी वाली बात है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप बताना आपको कैसा लगा। देखो यारो, आपके साथ ये पक्का कभी ना कभी जरूर हुआ होगा, नहीं हुआ है तो हो जाएगा। आप कोई वेबसाइट पे गए, आपको कोई वेबसाइट अच्छा लगा किसी काम के लिए, आप लॉगिन कर लिए उस पे, लेकिन जब से लॉगिन किए हो स्पैम कॉल्स, स्पैम ईमेल्स और स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, आप परेशान हो गए, आप लॉग आउट भी हो गए तो भी आपके साथ ये हो रहा है। अब आप परेशान हो भाई कि इस वेबसाइट से अपना डेटा कैसे हटवाऊं मैं, वहीं आकर बता दूं। तो इसी का सलूशन गूगल लेके आ चुका है, एक नया सर्विस लेके आया है जिसके अंडर में गूगल को आपको सब कुछ बताना होगा, फॉर्म वगैरह फिलअप करना होगा, उसके बाद गूगल उस वेबसाइट से या फिर आप जिसका भी इंफॉर्मेशन दिए होंगे वहां से वो इंफॉर्मेशन हटवा देगा गूगल, तो बहुत ही अच्छी बात है यार। सोनी ने आज अपने सोनी ब्राविया X75 के सीरीज के अंदर में कुछ नए स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है इंडिया में। बताता हूँ, 43 इंच का जो टीवी है वो 56,000 रुपए का है, 56,000 रुपीज, और उसके बाद है 50 इंच का 67,000 रुपीज का, और उसके बाद है 65 इंच का, इसका प्राइस बताया नहीं है लेकिन मुझे लगता है 80,000 रुपए के आसपास होगा। तो यार अगर आप सोनी का कोई भी स्मार्ट टीवी खरीदने का सोच रहे थे, ये नए वाले हैं, इनकी तरफ आप देख सकते हो। अगला अपडेट बहुत ही अच्छा है, व्हाट्सएप बीटा टेस्टिंग में, जैसे कि इंस्टाग्राम स्टोरीज को आप देखते हो ना, प्रोफाइल्स रहते हैं, प्रोफाइल पिक्चर ऊपर टैप करते हो उसके बाद आपको स्टोरीज दिखने लगते हैं, ठीक वैसे ही आपको अब से व्हाट्सएप के अंदर स्टेटस भी देखने को मिलेंगे। जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं अगर वो स्टेटस लगाए हैं तो आप उनके प्रोफाइल के ऊपर टैप करना और आपको दिख जाएगा भाई कि भाई वो क्या स्टेटस लगाए हैं। वैसे मैं स्टेटस नहीं लगाता हूँ, बहुत लंबा टाइम हो गया, करीबन हो गया एक साल मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस नहीं लगाया। वैसे व्हाट्सएप पे मेरे 3-4 लोग ही हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं हूँ। आप ये न्यूज पक्का सुने होंगे कि 8 जेन 1 का 4G वर्जन भी आएगा। क्या आपको पता है स्नैपड्रैगन 888 का भी 4G वर्जन है? सही पता है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हुआवे के जो स्मार्टफोन्स होते हैं, हुआवे के जो फ्लैक्सी फोन्स होते हैं वो 4G बन के लॉन्च होते हैं, हुआवे उनको 4G बना के लॉन्च करता है, वो जो भी फ्लैक्सी प्रोसेसर्स को यूज करता है उनको 4G में कन्वर्ट कर देता है। तो हुआवे के कुछ फ्लैक्सी फोन्स अभी आने वाले हैं जहां पर 8 जेन 1 का प्रोसेसर लगा होगा लेकिन वो 4G होगा, वो केवल हुआवे के स्मार्टफोन्स में ही आपको देखने को मिलेगा। तो जरा खुद सोच के देखो, 8 जेन 1 प्रोसेसर 4G वाला कौन ही पसंद करेगा? इसी वजह से अब 888 4G को देख लो, कोई और फोन में दिखाई दिया नहीं ना, सिर्फ हुआवे के ही स्मार्टफोन्स और ऑनर के ही स्मार्टफोन्स में आपको देखने को मिला। Vivo S15 Pro 5G के कुछ की स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, खुश नहीं हुए? Vivo V25 Pro 5G के कुछ की स्पेसिफिकेशंस बाहर आ चुके हैं, अब तो खुश हो गए होंगे। 6.56 इंच का फुल HD प्लस AMOLED पैनल होगा, 120Hz रिफ्रेश रेट, 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, स्नैपड्रैगन 870 के साथ होगा, ये बात बहुत अच्छा लगा मुझे, 4400mAh बैटरी, 66 वॉट का चार्जर, ये टेना सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है। वैसे यारो, आज सुबह मैं Vivo V25e 5G के ऊपर वीडियो बनाया था, जो Vivo S15e है ना वो लॉन्च हो गया था, अनबॉक्सिंग में दिखाया था, मैं आई बटन पे दे दूंगा, जाके क्लिक करके देखना, सब पता चल जाएगा। उसमें ये भी बताया हूं कि मैं Vivo V25 सीरीज के स्मार्टफोन कब तक इंडिया में आएंगे, जाके देख लेना। विद दैट बीइंग सेड, हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, जय हिंद, वंदे मातरम। We'll be right back.
We'll be right back.